नमस्कार, आज हम बात करते हैं नेगेटिव ऊर्जा की। कभी कभी हमारे जीवन में नेगेटिव ऊर्जा घेर लेती है, जिससे कि हमारा मन, स्वास्थ्य, परिवार सबको नेगेटिव कर देती है और सब में एक उदासीपन और नेगेटिविटी कलापन बैठ गया और मन खुश नहीं रहता है। घर में या बाहर किसी काम में भी मन नहीं लगता है, अपने हमें अपने ही नहीं लगते हैं, प्रेम होते हुए भी लगाव नहीं रहता है। ये सब क्या है? इन सब का कारण नजर दोष, वास्तु दोष, कुछ नेगेटिव लोगों का आसपास होना, ग्रह दशा गोचर में राहु केतु शनि का आना, आस पड़ोस का वातावरण और हमारी छोटी सोच तो ये सब कह देती है कि किसी ने कुछ कर दिया। इस अंधविश्वास से आप बाहर आए और बेवजह अपने दिमाग को न दौड़ाए और ना ही ये समझे, इस ना समझी को ये सोचे कि कैसे दूर करें। अगर घर के अंदर अचानक लाल चींटियां निकल रही है तो सावधान होने का संकेत है, यह भी नेगेटिविटी ऊर्जा का संकेत है। कभी कभी बच्चे या बड़े कुछ अच्छा पहन ले या कुछ अच्छा काम कर दे या पढ़ाई में अच्छे नंबर ले आए या जरा सी टॉक से अचानक नजर दोष लग जाती है। एक्चुअली हमारी बॉडी के आसपास एक मैग्नेटिक ऑरा होती है और उसमें ग्रह से संबंधित आने वाली किरण जो कमजोर हो जाती है उसी से हम प्रभावित हो जाते हैं। उसके लिए आप अपने आसपास सैंधा नमक रखें और इसी नमक से आप नहाना शुरू करें। इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और नजर दोष भी कम होने लगता है। वैसे सुंदर लोगों को बहुत जल्दी नजर लगती है क्योंकि लोग उनसे जेलसी भी करती हैं और उनकी नकल और कॉपी उतार लेते हैं। ऐसे आप अपने पास पपीते के सूखे बीज भी रख सकते हैं। रात को सोते समय नींबू काटकर आप अपने सिरहाने रखें और सुबह उसे बाहर फेंक दें। कभी कभी तो अच्छा काम चलते चलते अचानक रुक भी जाता है या ऑफिस में आपके लोग विरोध में आकर खड़े हो जाते हैं या आपको डाउन करने की प्लानिंग की जाती है, तो आप ऐसे में चंदन का इत्र लगाएं या चंदन की लकड़ी को नीले रंग के धागे में बांधकर अपने पास रखें और सफेद रंग के फूल आप अपनी टेबल पर रखें। आप ऐसे में वहां पर भी सेंधा नमक रखें और काम शुरू करने से पहले बैठकर अपने ईस्ट का जाप करें। एक बहुत बढ़िया उपाय है कि घर के सभी लोग अगर मिलकर घर के साउथ ईस्ट में बैठकर हवन कर सकें, हवन करें, जिससे हवन से निकली ऊर्जा, हम ये नहीं कहते कि वह देवता को मिल रही है, लेकिन उसकी ऊर्जा से घर की नेगेटिविटी कम होती है और वातावरण भी शुद्ध होता है। हर पूर्णिमा को गंगा स्नान करके आए और वही विश मांगे आप अपनी बेटर लाइफ के लिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी सभी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को कैसे लॉक लगता है। लेकिन सब श्रद्धा और विश्वास का काम है, तभी काम बनेगा। एक और शुद्ध केसर देसी घी को आप प्रतिदिन अगर आप अपने माथे पर लगाते हैं तो आपके आपको इससे भी बहुत सी पॉजिटिविटी ऊर्जा मिलेगी। तो आज हमने जाना कि कैसे नेगेटिविटी ऊर्जा आपकी दूर होती है। अगर आप भी कुछ जानना चाहती हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर आप अपनी राय अवश्य दें। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, वहां पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे आपको टिप्स मिलेंगे। और साथ में आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम अपने नई वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।